हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम फिर कुछ दिनों बाद मिल रहे हैं। आज हम बहुत ही अच्छे से प्लांट पे बात कर रहे हैं, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिटी सा प्लांट होता है, जो वैरायटी आजकल खूब ज़्यादा चल रही है, ये है रोज़ प्लांट। देखिए आप, मिनीचर रोज़ भी बोलते हैं इसको। बहुत ही छोटे छोटे फ्लावरिंग होता है। एक ये वाला प्लांट है, एक इसी की एक और छोटी वैरायटी बेल टाइप वैरायटी आती है, जैसे मैं आपको दिखा पा रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने दो प्लांट आज ही परचेज किए हैं। ये वैरायटी अलग है, ये वैरायटी अलग है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। ये कुछ रोज़ जैसा ही होता है, देख सकते हैं आप, लेकिन ये बहुत छोटा होता है। और ये वाला है, ये बेल बोल सकते हैं इसको, बेल टाइप। ये ऐसे देखिए, इसकी छोटी बर्ड्स आती है, ये गुच्छों में आता है, ये भी गुच्छों में आता है, लेकिन देखिए इसकी बर्ड्स में और उसकी बर्ड्स में बहुत फ़र्क है। ये प्लांट अलग है, ये प्लांट अलग है, लेकिन दोनों ही मिनीचर रोज़ के नाम से ही जाने जाते हैं। इनके बारे में आप फुल हम विस्तार से बात करें तो ये प्लांट 12 महीने हमें फ्लावरिंग देता है गाइस। ये सारे रोज़ गर्मियों में आपको पता है ख़राब हो जाते हैं, लेकिन मिनीचर रोज़ ऐसा है जो कि हमें 12 महीने फ्लावरिंग देता है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देता है। जैसे कि मेरा वाइट वाला रोज मैंने आपके साथ शेयर किया था, मिनीचर वाइट रोज है वो, मुझे 12 महीने पहले मैंने वो ला के लगाया, तो मुझे अभी पता है कि हाँ भाई, ये 12 महीने फ्लावरिंग करता है, अच्छा प्लांट है। आपको पता है सर्दियों में तो खूब सारे फ्लावरिंग प्लांट मिल जाते हैं, लेकिन गर्मियों में कम ही फ्लावरिंग प्लांट हमें मिलते हैं जो गर्मियों में फ्लावरिंग करते हैं। और हमारे यहाँ राजस्थान में आपको पता है ज़्यादातर सर्वाइकल इतना गर्म होता है कि नहीं सर्वाइव कर पाते हैं प्लांट। ये देखिए, ये प्लांट लेकिन 12 महीने फ्लावरिंग करता है गाइस। खूबसूरत सा प्लांट है, एक साथ इतनी सारी बर्ड्स बनी हुई है, खूबसूरत लगता है प्लांट। ये देखिए, ये वाला भी बहुत ही खूबसूरत है, गुच्छों में फ्लावरिंग करता है। ये देखिए, बर्ड्स भी बनी हुई है। हाँ गाइस, इन प्लांट को लेने से पहले आप देख लें, ये थोड़े हेल्दी प्लांट होने चाहिए। जैसे आप मेरा ये देख रहे हैं, कितना हेल्दी सा प्लांट है, बूसी प्लांट है, बहुत ही कितनी सारी बर्ड्स बनी हुई है और बहुत ही अच्छा प्लांट है, देख सकते हैं आप। मैंने ये प्लांट ओनली 70 रुपीज़ में लिया है गाइस। मुझे ये वाला, इसके मुझे 70 रुपीज़ बहुत कम लगे। ये 100 से अबो का प्लांट है, क्योंकि ये बहुत ही बूसी और हेल्दी प्लांट है। ये देखिए गाइस, ये मैंने 50 रुपीज़ में लिया है, ये भी हेल्दी प्लांट है, बूसी प्लांट है, लेकिन ये और ये दोनों अलग अलग हैं। इसमें मुझे एक बेनिफिट मिला है कि इसमें दो प्लांट्स लगे हुए हैं, दो प्लांट्स देख पा रहे हैं, ये अलग है और ये अलग है, इसलिए मैंने ये वाला बाय किया। ये भी मुझे 50 रुपीज़ में अच्छा लगा, क्योंकि मैं जहाँ पूछती हूँ मुझे 70-80 रुपीज़ जिसके बोलते हैं, ये मुझे 70 रुपीज़ में बहुत ही अच्छा प्लांट मिला है, बूसी प्लांट। जब भी आप लें गाइस, ऐसे बूसी प्लांट, घने प्लांट लें जो कि बहुत ही हेल्दी होते हैं, देख के लें, कोई कीड़ा वीड़ा नहीं लगो, ऐसे अटैक ना हुआ हो इनमें। देखिए आप गाइस, बहुत ही अच्छा प्लांट है। अब इसकी मिट्टी की हम बात करें तो हमें इसके अंदर क्या करना है, 50% तो गार्डन सॉइल लेना है, 30% कंपोस्ट लेना है और 20% आप कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं इसमें। और आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से आपको 12 महीने एक जैसे फ्लावरिंग करेगा आपके घर पे और आपके गार्डन की खूबसूरती बढ़ाएगा। गाइस, ऐसे ही और वीडियो के लिए आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पे नहीं है तो बेल आइकन को प्रेस कर दें। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्लांट मैं आपके लिए आगे भी लेके आने वाली हूँ, इनको आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, अपने गार्डन की खूबसूरती बढ़ाएं। ओके बाय बाय।